सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस था 111.71 का, वो अभी क्रॉस करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने ब्रेकआउट करके यहाँ से 11,237 से सपोर्ट लेके बाद में फिर से बाउंस बैक किया है। तो अभी अगर स्पिनिंग टॉप के ऊपर ट्रेड करता है और 10,400 के ऊपर क्लोज होता है तो आप 10,500, 10,600 का टारगेट रख सकते हो। या सेकंड थिंग ये हो सकती है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपने रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डबल टॉप पैटर्न भी बन सकता है। अगर 11,400 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें लॉन्ग कर सकते हो। अगर यहाँ से 11,400 निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस कर लेता है तो इसमें आप ज़्यादा मूव भी देख सकते हो। अगर स्मॉल करेक्शन भी आता है तो इसमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे शायद सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाए या डायरेक्टली यहाँ से गैप अप ओपनिंग होके ऊपर ट्रेड कर सकता है। और ये बैंक निफ्टी पे भी डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी किस तरह से सपोर्ट करती है। अगर बैंक निफ्टी वीकली चार्ट की बात करते हैं तो अगर बात करें तो ये यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था वीकली चार्ट में, पर ये अभी उसमें ब्रेकआउट हुआ है। और डेली चार्ट की बात करें तो ये कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसमें 28,500 का मूवमेंट देख सकते हो। अगर रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें शॉर्ट टर्म बेरिशनेस आ सकती है। पर ये भी देखना है कि ये RSI कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि RSI भी अगर 70 के ऊपर चला जाता है तो इसमें 28,000-29,000 आराम से पहुंच सकता है। और निफ्टी बैंक में HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक भी अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो निफ्टी बैंक को ज़्यादा भी ऊपर लेके जा सकते हैं। अभी कुछ सेक्टर्स देख लेते हैं। अगर निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स की बात करें तो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने ब्रेकआउट दिया है तो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक के इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 11,375 का फर्स्ट रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। यहाँ पे सेकंड टाइम वही रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है और ये थर्ड टाइम पे ये ब्रेकआउट हुआ रही है। यहाँ से इस कैंडल के ऊपर यहाँ से पोजीशन लॉन्ग हुई है, तो अभी ये इंडेक्स में स्मॉल करेक्शन के बाद यहाँ से फिर से बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ये अपने हाई को क्रॉस करता है, ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल को क्रॉस करता है तो इसमें भी आप बुलिश मोमेंटम देख सकते हो। अभी निफ्टी प्राइवेट बैंक में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो ये इंडेक्स भी ब्रेकआउट पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, पर यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर यहाँ पे ब्रेकआउट ज़्यादा सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं हो पाया। और यहाँ पे फिफ्थ टाइम और ये सिक्स टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रहा है प्राइवेट बैंक में। तो यहाँ से स्मॉल करेक्शन के बाद, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि इतनी बार ये इंडेक्स ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसके लिए 15,400 का।
तो वहाँ से अभी गैप अप ओपनिंग होके इसमें अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है। तो जैसे ही अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करता है तो इसमें भी आप ज़्यादा लॉन्ग कर सकते हो। प्राइवेट बैंक में अगर बात करें तो एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक वगैरह अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये इंडेक्स और भी ऊपर जा सकता है। अब पीएसयू बैंक का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक में आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से अगर लाइन चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक के लिए सबसे बड़ा हर्डल 3270 है। अगर 3270 के ऊपर क्लोज होता है तो ये 3333 तक का टारगेट आप रख सकते हो, और वो क्रॉस हो जाने के बाद इसमें आप 3545 का टारगेट रख सकते हो। और इसमें ये भी देख लेते इतना बुलिश मोमेंटम क्यों आया है, क्योंकि कोई भी इंडेक्स हो या सेक्टरल इंडाइसिस हो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल थिंग ज़रूर होता है कि जिससे उसमें बाउंस बैक आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो तो आप सेक्टर में पैसा लगा के भी मुनाफा कर सकते हो। अगर हम मंथली चार्ट में बात करें और यहाँ पे फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं तो अक्टूबर 2017 से ये यहाँ पे हाई बनाया था, उसके बाद तो पीएसयू बैंक में तब से डाउनफॉल आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 61.8 पे 2833 से नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से फिबोनाची टूल कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके ट्रेडिंग के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी बाउंस किया था सेकंड टाइम, यहाँ पे 50% पे बाउंस किया था, और यहाँ पे थर्ड टाइम 61.8 से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप मंथली चार्ट, वीकली चार्ट या डेली चार्ट के हिसाब से आप इंडेक्स में पता कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स में बाउंस बैक या ब्रेकआउट हो सकता है। अभी और भी सेक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे मूविंग एवरेज हम ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा समझने में। टू हंड्रेड डे रख लेते हैं। और 20 डे रख लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर में आप डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट में ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें शॉर्ट टर्म बेरिशनेस आ सकती है। और ये डेली चार्ट के हिसाब से अगर ये इंडेक्स की बात करें तो सारे ऑटो सेक्टर्स में और भी डाउनफॉल हो सकता है। उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या है वो भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में अगर ये इंडेक्स 11,500 के ऊपर क्लोज होता है तो इसमें ऑटो सेक्टर्स में फिर से बुलिश रैली आ सकती है। अभी आईटी सेक्टर देख लेते हैं। आईटी सेक्टर में अगर बात करें तो दिसंबर 2017 से इसमें ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था सारा आईटी सेक्टर। और अभी दिसंबर 2017 से आप आईटी स्टॉक में रैली देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिया हुआ था, मूविंग क्रॉस ओवर हुआ था दिसंबर 2017 से। तो तब से आप देख सकते हो कंटिन्यू 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।
वीकली चार्ट के हिसाब से। और वनडे चार्ट की अगर बात करें तो वनडे चार्ट में भी इसमें स्मॉल करेक्शन जैसा लग रहा है, पर ये अभी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये डिपेंड करता है कि यूएस डॉलर अप जाता है या नीचे जाता है। अगर रुपी वीक होता है तो आईटी सेक्टर में बुलिशनेस आ सकता है, और रुपी स्ट्रांग होता है तो आईटी सेक्टर में शॉर्ट टर्म बेरिशनेस भी आ सकता है। पर डेली चार्ट और वीकली चार्ट और मंथली चार्ट के हिसाब से आईटी सेक्टर में अभी बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हो। अगर निफ्टी मेटल की बात करते हैं तो ये इंडेक्स बेरिश मोमेंटम में है। अगर वीकली चार्ट की बात करें ये इंडेक्स में, तो ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन ना बनाओ तो अच्छा है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म इसमें बुलिशनेस आया था। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था कि ये इंडेक्स में इतना ब्रेकआउट क्यों आए, क्योंकि क्या है, यूएस डॉलर और कमोडिटी अपोजिट चलता है। और ये इंटरमार्केट रिलेशन पे भी डिपेंड करता है कि यूएस डॉलर का जो ट्रेंड है वो कमोडिटी ट्रेंड से अपोजिट रहता है। अगर टेक्निकली बात करें तो चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर लो बन रहा है और RSI ने हायर हाई बनाया था, तो ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल था वहाँ पे बाइंग पॉइंट था, तो वहाँ से कंटिन्यू आप अप रैली देख सकते हो। तो ये रैली कब तक रह सकती है, 3400 तक रह सकती है। 3400 के बाद इसमें फिर से डाउनफॉल आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अभी मीडिया स्टॉक्स में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी मीडिया की बात करें तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी भी इसमें अप मूव आ सकता है, पर सबसे पहले इसको 3155 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। और डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पर इसमें अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये कैंडल से हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो 17 जुलाई का जो कैंडल है वहाँ से हमने ये थर्सडे तक का कैंडल लिया है, तो ये आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है, एक बेस बन रहा है और ये सारे कैंडल्स में हायर हाई बन रहा है और ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंडेक्स के कुछ स्टॉक में अगर अर्निंग अच्छा आता है तो और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है तो आप शॉर्ट टर्म टारगेट 2900 का रख सकते हो। अगर 2900 के ऊपर क्लोज होता है तो सारे मीडिया स्टॉक्स में आप लॉन्ग कर सकते हो 3000 तक। आज हम इंडेक्स एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर निफ्टी मेटल में ब्रेकआउट हो रहा है तो जितने भी स्टील सेक्टर है उसमें उसके सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट होगा या उसमें बुलिश मोमेंटम 2-3% का आपको देखने मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, सेक्टर का एक स्टॉक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो सारे स्टॉक बुलिश मोमेंटम दिखा सकते हैं। अभी लास्ट रियलिटी सेक्टर देख लेते हैं। रियलिटी सेक्टर की बात करें तो रियलिटी सेक्टर काफी वोलेटाइल रहता है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो रियलिटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स में बेरिशनेस आ सकता है क्योंकि चार्ट के हिसाब से डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और वनडे की बात करें तो वनडे चार्ट में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे डोजी बना है, तो उसके हिसाब से अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है 266 के नीचे तो इसमें ज़्यादा फॉल भी हो सकता है। तो रियलिटी सेक्टर के सारे स्टॉक्स में बेरिश रैली भी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि 277 जो यहाँ पे प्रीवियस हाई था, स्विंग हाई,
अगर ये सिंग हाई के ऊपर ट्रेड करता है, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें आप 300 का टारगेट रख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और नए वीडियो के रिमाइंडर के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो में दिया गया डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस वीडियो में हमारी कोई भी स्टॉक की बाय, होल्ड या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। धन्यवाद।